हाँ जी, आज की वीडियो में बात करने वाले फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट जो आपको जरूर करने चाहिए अगर आप फ्रंट एंड डोमेन में जाना चाहते हो, या फिर अभी भी आप फ्रंट एंड डोमेन में हो और अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो। आज हम जो भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो पूरे आपकी लर्निंग्स के लिए होंगे। अगर आप यहाँ पे वीडियो में आए हैं कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, प्रोजेक्ट्स आप इंटरव्यू के लिए देखने आए हो, तो भी वेल एंड गुड है। बट मेरा अगर आप सजेशन लेंगे, मैं आपको ये कहूँगा, जब भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो आप हमेशा अपनी लर्निंग्स के लिए बनाइए। बेसिकली कंपनी जब भी आपके प्रोजेक्ट्स देखती है ना, उससे उनको ये पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपने किस किस चीज पे काम किया है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाने चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट बनाने चाहिए अगर आपको अपस्किल करना है और आपको खुद को स्टैंड आउट कराना है एज अ फ्रंट इंजीनियर। सो सबसे पहले हमारे पास आता है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स हमारा सबसे सिंपल होगा, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो हमें आगे जाके इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। ई कॉमर्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमारे पास आता है एक सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में हम सर्च करते हैं, हम नीचे डेटा दिखाते हैं। अब आप उसमें कैसे सर्च कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, आपने उस सर्च की कौन सी एल्गोरिदम लगाई है वो भी डिपेंड करता है, उस सर्च के बाद आप कैसे डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, क्या आप हर एक की पे आप जो प्रेस कर रही है यूजर उस पे मैनिपुलेट कर रहे हो या कुछ टाइम के बाद मैनिपुलेट कर रहे हो, ये सारे टॉपिक्स वगैरह ये सब कुछ आपको पता चलेंगे जब आप एक सर्च बनाओगे। सिमिलरली इस ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको एड टू कार्ड भी करना होगा, आपको बाय का बटन भी देना होगा, आपको पेमेंट मेथड भी करना होगा, और सबसे जरूरी जो इसमें मेरे को लगता है फिल्टर्स करने होंगे। बेसिकली यूजर जाके फिल्टर कर सकता है प्रोडक्ट्स को जो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो। आजकल जितने भी हम वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं उसमें एक फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर ला रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारे पास सॉफ्टवेयर होते थे, हम उसको इंस्टॉल करते थे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, मान लेते विंडोज में, मैक ओएस में। बट आजकल क्या कर रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को सब कुछ ऑनलाइन ला रहे हैं। तो आपको जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है ना, उसको दिमाग में रख के बनाना है कि आप एक वेबसाइट नहीं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो जो फुल फ्लैश्ड वेब एप्लीकेशन होगी, जिसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसमें आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो, उसमें आप ऑफलाइन की कंपैटिबिलिटी भी दे सकते हो, मान लेते हैं यूजर ऑफलाइन है तब भी वो उस वेबसाइट पे आके वहां पे चीजें देख सके, और जैसे ही वो ऑनलाइन जाए सारा का सारा जो भी उसने इनपुट किया है वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाए। फुल फ्लैश्ड वेबसाइट का मतलब ये होता है कि उसमें सब कुछ होता है यार। मतलब जो भी आप किसी भी एप्लीकेशन में देखोगे ना, जो हमारे पास लैपटॉप में एप्लीकेशन होती है, मान लेते आपने कोई वीडियो एडिटर का आपने यूज किया है, आपने वीएस कोड यूज किया होगा कोडिंग करने के लिए, जितने भी सॉफ्टवेयर है ये सब के सब वेब पे जा रहे हैं, वेब बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। तो अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो या आप खुद कुछ करना चाहते हो, तो आपको दिमाग में यही रख के चलना है कि आपको एक फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर बनाना है जो कुछ भी कर सकता है वेब के ऊपर। मैं पूरी लिस्ट ये जो भी अभी बोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या जरूरी करना है एक डॉक में दे दूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइएगा, उसमें सारा कुछ रेफरेंसेस वगैरह दे दूंगा मैं जो जो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। उस डॉक्यूमेंट में जाके आप देख सकते हैं, इस वीडियो के बाद जब आप ये वीडियो खत्म हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट में को देखिएगा, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, फिर इस वीडियो को वापस देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मोटा मोटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट में जितनी मैंने वहाँ पे लिखी है डॉक के अंदर, जितनी फंक्शनैलिटीज लिखी है, ये सब हम यूज करते हैं रियल सॉफ्टवेयर में। मान लेते हैं आप ही, अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो आपने देखा होगा, या फिर आप वीडियो देखते हो, एक फिल्टर्स का सेक्शन आता है, फिल्टर्स में आप बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकते हो। ये फिल्टर्स आप कैसे लगाओगे सॉफ्टवेयर में, ये सबसे मेन है। तो मैं अभी कुछ ही टॉपिक्स के बारे में बोल रहा हूँ, डिटेल में मैं हर टॉपिक में नहीं जा सकता, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो वापस से डॉक में रेफर कर लेना। सो ई-कॉमर्स सिंपल वेबसाइट में आपको यही पता चलेगा कि जो बेसिक चीजें जो बहुत ही जरूरी है आज हर वेबसाइट में अवेलेबल है, वो तो आपको सीखनी ही होगी, वो उन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने डॉक में बता दिया है। तो इस ई-कॉमर्स वेबसाइट में क्या क्या बनाना है आपको डॉक से देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट पे। सेकंड प्रोजेक्ट आता है कोई भी रियल टाइम ऐप। अब रियल टाइम ऐप से मेरा क्या मतलब है, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ऑनलाइन बुकिंग्स हो रही है, राइट। मान लेते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मैं हूं और आप हो, हम दोनों ने एक साथ एक प्रोडक्ट खरीदा बट उसका स्टॉक सिर्फ एक ही था, तो आप क्या करोगे, आप मेरे को दोगे वो प्रोडक्ट या फिर उसको दोगे, जो मतलब खुद को दोगे आप। सो ये सब कुछ आता है रियल टाइम में। रियल टाइम बहुत ही जरूरी है आजकल की डेट में, क्योंकि आजकल हम बहुत ही सारा बुकिंग कर रहे हैं, हम ऑर्डर भी कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा ऑनलाइन चला गया है, तो रियल टाइम तो एक बहुत ही बेसिक चीज हो चुका है आज के टाइम पे। तो मान लेते हैं बुक माई शो का एग्जांपल ले लेते हैं, पेटीएम का एग्जांपल ले लेते हैं, आप मूवी टिकट बुक करते हो, आपने सेम ही सीट बुक करी, सेम सीट बुक करने के बाद आप कौन किसको दोगे, मतलब आपने भी सेम करी है मैंने भी सेम करी है, तो किसको एलोकेट करोगे वो सीट। तो ये सब आपको सीखना होगा एक रियल टाइम ऐप के अंदर। रियल टाइम ऐप में अगर आप किसी का क्लोन बनाना चाहते हैं तो मैं तो आपको बोलूंगा आप बनाइए गूगल डॉक का क्लोन, गूगल सीट का क्लोन, बुक माई शो का क्लोन, या फिर किसी भी रियल टाइम स्टॉक एप्लीकेशन का क्लोन।
रियल टाइम में आप स्टॉक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। बेसिकली आपने ज़ेरोधा अगर यूज किया है, अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ये सारी जो एप्लीकेशन है ये एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को, जो इंडियन स्टॉक्स होते हैं, जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके स्टॉक्स को। सो आप जब भी देखोगे, जब भी मार्केट ओपन होता है ना, तो वहाँ पे ग्राफ रियल टाइम चलता रहता है ऐसे। मतलब जो एप्लीकेशंस होती है वो रियल टाइम आप कैसे दिखाओगे, कैसे एफिशिएंटली दिखाओगे। अब मान लेते हैं आपने सुबह 9 से आपको दोपहर के 3 बजे तक दिखाना है, ओके। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि हर सेकंड में आप पूरा डेटा लेकर आ रहे हो। मान लेते हैं आपने 3 PM पे 9 AM से 3 PM का सारा डेटा लिया है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको रियल टाइम में कैसा डेटा आपको दिखाना है फ्रंट एंड के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ उनके सबके रेफरेंसेस आपको डॉक में वापस से मिल जाएंगे। आजकल जो कंपनीज हायर कर रही है वो बहुत देखती है कि आप में रियल टाइम आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है या नहीं बनाई है, मतलब रियल टाइम कोलैबोरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये प्रोजेक्ट भी इसलिए आपको करना बहुत ही जरूरी है। थर्ड आता है कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आप सोल्व करिए। अभी देखिए, अभी हमने जो पिछले 2 प्रोजेक्ट बताए थे वो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताए थे, इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। अब जो ये है, आपको उन इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को सोच के अपने दिमाग में लाके एक प्रोजेक्ट बनाना है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करता हो। कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम मैं बताता हूँ जो मैं फेस करता हूँ, क्या पता आप उसके ऊपर कुछ बना सके। पहली आती है, मैं कपड़े बाय करके भूल जाता हूँ। बेसिकली मैंने क्लोथ खरीदे, मतलब कपड़े खरीदे, मेरे को पता नहीं है कहाँ पे कहाँ रखे हैं, मेरे पास है भी या नहीं है। मैं बाय करने जाऊँगा, मतलब खरीदने जाऊँगा, फिर मेरे को पता नहीं है कि मेरे पास ऑलरेडी है या नहीं है। तो ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए हम एक ऐप बना सकते हैं। अब इस पर्सनल प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ, ये आपको इंटरव्यू में स्टैंड आउट भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने खुद बनाया है, इसके ट्यूटोरियल आपको नहीं मिलेंगे, आपने खुद सोचा है, पूरी थिंकिंग खुद लगाई है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने खुद सोचे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने इम्प्लीमेंट करे हैं। आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ऐसे हमारे रियल प्रोजेक्ट सोल्व होते हैं। जब भी आप जॉब या फिर बिजनेस जो भी करोगे उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगी, उससे पहले आपने रियल लाइफ प्रॉब्लम कोई सोल्व कर दी है तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक एडवांटेज मिलेगा इंटरव्यू के अंदर भी। क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली हम क्लोन्स ही बना के जाते हैं जो फ्रेशर्स जाते हैं, हालांकि नहीं जाना चाहिए, मैंने कई बार मना कर रखा है। अगर वे क्लोन बना के जा रहे हो और आप कुछ अलग बना के जाते हो तो ऑब्वियसली आप स्टैंड आउट हो गए। सो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप सोल्व करिए। पहली प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताई थी, मेरे में केस में जो आती है, कपड़े खरीद के भूल जाता हूँ। सेकंड ये आती है, मान लेते हैं मैंने 2 ग्रे पैंट खरीदी है, 2 ब्लैक खरीदी है, 2 ग्रीन खरीदी है, और सिमिलर मैंने शर्ट भी ऐसे खरीदी है। अब उनको मैं मैच कैसे कराऊँ, कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ मैं उन दोनों उसके साथ क्लोथ्स के साथ, तो उन दोनों क्लोथ्स के साथ कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इसकी भी आप ऐप बना सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम मेरे को ये आती है कि अगर मैं जिम जाता हूँ या फिर कोई एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे पास कुछ रहता नहीं है कि मैंने किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करी थी, तो वो भी हम कर सकते हैं। और किस दिन हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे उसका पूरा एक कैलेंडर बना सकते हैं, सो उसकी भी एक एप्लीकेशन हो सकती है। ये सारे से मेरे थे, मतलब जो मेरे को लगता है मैं फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम, हो सकता है आप नहीं फेस कर रहे हो, तो जो आप फेस कर रहे हो प्रॉब्लम उसके ऊपर बनाइए। क्योंकि इंजीनियर्स का काम भी यही होता है, देखो उनको इनोवेट करना है, उनको नई नई प्रॉब्लम सोल्व करनी है, जिंदगी को आसान बनाना है, पूरी लाइफ को आसान बनाना है, पूरी दुनिया के लिए आसान बनाना है। तो आपको हमेशा अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम देखिए, उसको सोल्व करिए और फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाइए। फोर्थ पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट जो मेरे को लगता है इनफ होगा, अगर आपने ये चौथा पॉइंट भी कर लिया तो आप बहुत ही सही, आपको इंजीनियरिंग के बेसिक्स आ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, सारे नहीं मतलब जितने आपको आने चाहिए उतने आ चुके हैं, और इसके अलावा आप इंटरव्यू के लिए भी रेडी हो सकते हो अपने प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। सो फोर्थ आता है क्रड वेबसाइट। क्रड से मेरा क्या मतलब है, इसको क्रड के बोलते हैं या क्रूड बोलते हैं मेरे को नहीं पता, क्रड ही बोलते हैं सर। क्रड की फुल फॉर्म होती है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। अब ये क्या होती है, क्रड वेबसाइट को आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए आप अमेजोन यूज करते हैं या फिर फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, आप वहां पे जाते हो, प्रोडक्ट बाय करते हो, खरीद लेते हो, आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। अब पीछे शॉपकीपर होता है ना, शॉपकीपर जो उसको प्रोडक्ट को वहाँ पे डालता है, अब उसको डालने के लिए भी तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको इमेज डालने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको स्टॉक डालने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको उसका प्राइस डालने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, डिस्काउंट डालने के लिए, ऑफर डालने के लिए, हर चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्रड वेबसाइट। बेसिकली वहाँ पे आप क्रिएट करते हो, रीड करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, ठीक है। तो जो आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाया था ई कॉमर्स वाला, सबसे सिंपल वाला, जिसमें आपने सारी फंक्शनैलिटी सब करके आपने ई कॉमर्स बना दिया, उसका ही आप एक एड ऑन बना सकते हो जिसमें आप एक शॉपकीपर के लिए बना रहे हो, ओके। तो शॉपकीपर क्या करेगा, वहां पे जाके प्रोडक्ट्स ऐड करेगा, उसका प्राइस ऐड करेगा, उसका ऑफर ऐड करेगा, उसका डिस्काउंट ऐड करेगा, और उसके रिव्यूज वगैरह जो होंगे वो भी वो वहां पे देख सकता है। तो ये सारी जितनी भी फंक्शनैलिटी है मैं लिख दूंगा डॉक के अंदर ही। अब इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज तक मैंने जहाँ भी काम किया है ना, सो वहाँ पे जब हम एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं
उसके पीछे भी एक सॉफ्टवेयर रहता है जो उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। मान लेते हैं रियल लाइफ में किसी यूजर को कोई दिक्कत आ गई है, हम अब वहां पे जाके बैकएंड तो अपडेट नहीं करेंगे ना डायरेक्ट जाके, बिकॉज उसके अलग से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हमें अब अपना खुद से एक सॉफ्टवेयर बना के रखते हैं जिसकी मदद से हम कुछ फोर्सफुल एक्शन कर सके उस वेबसाइट के लिए। समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने अमेजोन में कुछ खरीदा, ठीक है। अब गिने चुने इतने सारे मिलियंस ऑफ लोग हैं, बट आपके पास ही एक प्रॉब्लम आई कि आपने बाय तो कर लिया बट आपके पास ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं आई, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास एक तो वे ये है कि हम बैकएंड में जाके अपडेट करें कि भाई उसको डिटेल्स दिखा दो, और सेकंड वे ये आता है कि हमने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है और हमने वो कस्टमर सर्विस टीम को दे रखा है, मतलब जिसको वो कॉल करते हैं। तो जैसे ही हमने कॉल करी कस्टमर सर्विस को, उन्होंने देखा हाँ हाँ इनके पास नहीं है, तो उन्होंने एक रिफ्रेश बटन दबा दिया, वहां से फिर उसका ऑर्डर रिफ्रेश हो गया, फिर उसको बोला कि आप देखो वहां पे डिटेल्स आई है, तो उसको वहां डिटेल्स दिख गई। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्रड वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट इन चारों प्रोजेक्ट्स में से सबसे मेन है, और ऑब्वियसली जो तीसरी थी वो इंटरव्यू के लिए बहुत मेन है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे, और ऑब्वियसली आपके लर्निंग के लिए भी। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कौन से प्रोजेक्ट बनाने चाहिए जिससे आप इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट समझ सके फ्रंट एंड के। अगर आपको जानना है कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए अगर आपको एक इफेक्टिव फ्रंट इंजीनियर बनना है, तो मैंने एक ये वीडियो बनाई थी, इसको जाके देखिए, वहां पे मैंने एक पूरा सड़क का नक्शा दिखा रखा है, रोड मैप दिखा रखा है, जिसकी मदद से आप इफेक्टिव फ्रंट इंजीनियर बन सकते हो, मतलब असली फ्रंट इंजीनियर बन सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, और आज के लिए इतना ही। सेमी कॉलन।